तो दोस्तों, अब तो भारतीय रेलवे यहाँ पर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है, लेकिन आपको पता ही होगा कि ऑलरेडी हमारी मालगाड़ियाँ स्पीड के मामले में लगभग राजधानी को भी टक्कर दे रही हैं। अब बात आती है ऑपरेशनल स्पीड की, बट अब तो इन्होंने अपना बेस्ट एवर मंथली फ्रेट लोडिंग कर डाला है, जो एक रिकॉर्ड मात्रा में हुआ है। वैसे देखा जाए तो काफी लंबे समय से रेलवे प्रयास कर रही है कि जितना भी हम फ्रेट हैं, ज्यादा से ज्यादा रोड से निकालकर रेलवे से ट्रांसफर करना शुरू कर दें, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैसे भी कम करके हम रिड्यूस कर सकें। और काफ़ी हद तक ये लोग बहुत ही सक्सेसफुल हो भी रहे हैं। अब ये जो इतना बड़ा सक्सेस मिला है, इसके पीछे सबसे पहले तो हमारे जो वेट गुड्स हैं, सीमेंट, क्लिंकर्स, कंटेनर्स, पेट्रोलियम, ऑयल, ल्यूब्रिकेंट्स, इनका काफ़ी बड़ा हाथ है। इसके अलावा अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला था, वो था कोल ट्रांसपोर्ट के साथ। जुलाई के महीने में आपको याद होगा कि काफ़ी सारी कोल ट्रेन्स हम दौड़ा रहे थे, और इसी का नतीजा है कि आज ऐसा रिकॉर्ड हमें देखने मिल रहा है। वैसे यह काफ़ी नहीं है, इनफैक्ट रेलवे तो 100 गतिशक्ति कार्गो भी बना रही है। 2024 तक तो यहाँ पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। असली जो रेवेन्यू है रेलवे को, तो वैसे फ्रेट से ही मिलता है, ऑलमोस्ट 30 से 40 हजार करोड़ रुपए। अब इतना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा रेलवे कमाने में लगी हुई है, जस्ट बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा फ्रेट टू रेलवेज, जस्ट बाय शिफ्टिंग फ्रेट फ्रॉम रूट टू रेलवेज। वैसे जब डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह बन जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि सिनेरियो कितना ज्यादा अलग होने वाला है। बिकॉज 2027 तक तो रेलवे ने अपना काफ़ी एम्बिशन टारगेट रखा है, 3000 मिलियन टन्स। हमें कुछ भी करके इतनी लोडिंग कैपेसिटी बनानी है, और इतना लोडिंग हम इससे ज़्यादा इन्फेक्ट करेंगे। और वहाँ जो इन्होंने बेस्ट मंथली फ्रेट लोडिंग की है, वो है 122 मिलियन टन्स। तो देख सकते हैं कि काफ़ी एम्बिशंस टारगेट उन्होंने रखा है, और होपफुली रेलवे इसमें भी सफल होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।